पनीर। अरे कमाल है, ये सारी शर्टों के बटन कैसे गायब हो सकते हैं? मैया से जाके पूछते हैं कि ये मेरठ में चूहे कब से बटन खाने लग गए। अरे कन्हैया जी, आपने अभी तक शर्ट चेंज नहीं की। अरे ये शर्ट, आपको तो दुकान के लिए लेट हो रहा था ना। अरे हो रहा है ना, पर देखिए किसी भी शर्ट में बटन नहीं है। क्या, किसी भी शर्ट में बटन नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वही पूछने तो मैया के पास जा रहे हैं। जस सुन तू आ पिसोवा। आपको जो चाहिए सब सिर्फ मेरे पास मिलेगा, प्यार भी और बटन भी। ओह गॉड, ये बटन्स तुम्हारे पास? हाँ, प्रेम शास्त्र में लिखा है, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से नहीं, शर्ट के बटन से होकर जाता है। आपकी सारे शर्ट के बटन्स मैंने निकाले। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, बटन भी लग जाएंगे और दिल भी। प्रेमा, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है क्या? मतलब टाइम की इतनी सी भी अहमियत नहीं है तुम्हें? रिलैक्स मिस क्लास टॉपर, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? लो कन्हैया जी परेशान होंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? प्रतिभा, इंसान तब परेशान होता है जब उसे प्यार नहीं मिलता। देखो प्रेमा, गलती छुपाने के लिए प्यार का ज्ञान मत दो। हाँ, लैला मजनू, रोमियो जूलियट क्या एक दूसरे के बटन सीते थे प्यार के लिए? किताबों से प्यार करने वाले भी अगर प्यार का ज्ञान ना ही देना तो अच्छा है। देखो तुम, अरे अब तुम दोनों मत लड़ो ना। और प्रेमा, प्रतिभा ठीक कह रही है। ये क्या बदतमीजी है? डाबोर वो मैं दीर कुआ, ये क्या बदतमीजी है? तुम तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई हो। दीदी, नाक के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। सुबह सबके सामने मेरी इंसल्ट करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो आप खुन्नस में तुमने मेरी काजल पेंसिल भी तोड़ दी। देखो प्रेमा, मैं फोन पर थी, मुझे एक नंबर नोट करना था। क्या फालतू बात मत करो, सारा घर छोड़ के एक तुम्हें मेरा ही कमरा मिला था पेन ढूंढने के लिए। सरला चाय पी के जाइयो, तू भी ना हर वक्त तुझे घर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। ए बहू, कौन सी बहू को बुला रही है? तेरी तो पांच पांच बहुएं हैं, चाहे जोन सी आ जाए। वैसे तेरी बहू एक साथ रह कैसे लेती है? हमारी तो एक बहू है ना, उसने भी नाक में दम कर रखा है। और तेरे घर की शांति देखकर ऐसा लगता है मानो पांचों बहुएं ने स्वर्ग बना रखा है इसे। बस बहुत हो गया, सिर्फ एक काजल पेंसिल टूटी है तुम्हारी, कोई किताब नहीं फाड़ दी जो जान निकाल रही हो। तुम्हारे लिए जैसे किताब जरूरी हो सकती है, वैसे मेरे लिए कोई और चीज जरूरी हो सकती है ना। और वैसे भी बात सिर्फ एक काजल पेंसिल की नहीं है, बात ये है कि तुम मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई हो। खुद को ज्यादा भाव मत दो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पीछे पड़ने का। ओह, कहीं तुम्हारा प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि मैं कन्हैया को ज्यादा इंप्रेस कर दूं? एक मिनट, लेट मी टेल यू, इंसान अच्छी बातों से इंप्रेस होता है, यू आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक और लचक मचक करने से कोई इंप्रेस नहीं होता। देखो बदतमीजी से बात मत करो। तुम मुझसे बात ही मत करो, ढाई अक्षर फ्रेंच के क्या सीख लिए, खुद को तीस मार खान समझने लग गई हो? देखो मेरी फ्रेंच के बारे में कुछ मत बोलो, उसे देर हुआ कैसे हुआ? फिर से फ्रेंच शुरू हो गया? देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत गर्म है, ज्यादा गर्म मत करो प्लीज। तो बता तू क्या कह रही थी मिश्रायन की बहू के बारे में? अरे रोज दोपहर को 12 बजे के बाद उठती है। हाँ। तेरी कुसुम को भी पीछे छोड़ दिया है उसने। हर चीज में शिकायत ही शिकायत, सुबह उठते ही हर कोई छोटी बात पर कटकट कटकट कटकट। शिकायत? खैर तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, शिकायतें तो थोड़ी बहुत मेरी बहू को भी रहती है आपस में, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आपस में कभी लड़ती नहीं है। हाँ। प्रतिभा देखो सरला आंटी आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। सुनो पंजी जी को बोलो जल्दी से अच्छी सी चाय बना के भेजे आंटी के लिए। तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म हो रहा था ना, अब ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ?
कुछ नहीं, वो चाय कह रही थी। सरला आंटी आई है। हाय आंटी। हेलो बेटा। क्या हुआ पंजरी प्रार्थना? हाँ पीछे कौन है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। तू भी कितनी चाय पीती है? अरे इतनी चाय पी के तुझे एसिडिटी नहीं होती है? तो सुन तो सुन सुन, तुझे देर हो गई है, तुझे अपने घर जाना चाहिए, तेरी बहू इंतजार कर रही होगी। अरे चल चल, ये बात तो सुन, तेरी बहू भी तेरा इंतजार कर रही होगी तेरे पैर छूने के लिए। अरे मेरी बहू 6 महीने में एक बार मेरे पैर छूती है, उसे छोड़ना, पंजरी के हाथ की चाय पीती हुई जाऊँ ना। अरे नहीं फिर कभी, हाँ देर हो गई है। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। क्या है ये? अरे मैं मेरा फोन भूल गई।